इतना प्यार करने वाला चाहिए जिस तरह प्यार से अबू पुलाव को देख रहे हैं, इतने प्यार से जिसने बनाया उसको नहीं देख रहे, पुलाव को देख रहे हैं। देख आज तो माशाल्लाह, देखें देखें जी क्या बात है, क्या फिर कुकिंग में मम्मी ने तैयार तो होना होता है ना, आप सारे बच्चों से बात। माशाल्लाह से देखें जी कितना प्यारा लग रहा हूं मैं, बड़ी खेड़ी शेड़ी बनी हुई है, बड़े सोने लग रहे हो आज, क्या चक्कर है? हम तो पैदा ही ऐसे हुए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अम्मी का चैनल। आज है ईद का एक दिन पहला, ईद से एक दिन पहला, ईद से एक दिन पहला अम्मी आज बना रही हैं सीख कबाब, बना रही हूँ कल के लिए। सीख कबाब बना रही हैं कल के लिए? हाँ बना चुकी हूँ, बना के इन्हें अभी फ्रिज में रखती हूँ कि कल फिर एकदम सारी चीज़ें, शामी कबाब बनाए हैं वो फ्रिज में रखे हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको, और ये बनाए हैं अब इनको फ्रिज में रखेंगे, इनको फ्रीजर में। कितने मज़े की बात है, रोज़े में, रोज़े में मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरा और अम्मी का रोज़ा है, ऐसे हमें ये चीज़ें बना बना के दिखा रहे हैं, रोज़े मार बैठे हुए हैं। हाँ भाई रोज़ा क्यों नहीं रखा? थोड़ी स्माइल दो, लोग कहते हैं ये स्माइल नहीं देता। असो? किसी ने उठाया ही नहीं। स्माइल दो, स्माइल सही से स्माइल, वो तो मुंह दांत दिखाओ, दांत बढ़ा रहे, दांत दिखाओ, क्यों बका लेना आपने भाई, देखना 32 दांत पूरे। हाँ भाई तुम कौन हो, तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? गोभी और पराठे खाने वाली औरत। हाँ जी ये देखें जी, फूलों वाले शामी कबाब हमने बना दिए, फूल बनाए हुए। अच्छा फूलों वाले, अब इनको मतलब पहले हमने इसमें रखे हैं ना, मैंने कहा था कि इनमें डाल के रखते हैं क्योंकि आराम से आप जो शॉपर भर भर के हम रखते हैं तो ये क्योंकि है। ये देखें जी ईद की यहाँ पे ये तैयारियाँ चल रही हैं, अम्मी यहाँ पे ये सब कर रही हैं। आप सबको हाज मुबारक हमारी तरफ से, आज आपको, आप लोग तो जब देखेंगे आज गुजर चुका होगा पर फिर भी हाज मुबारक, ईद 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 भी, ईद होगी नहीं, ईद भी तो होगी, ईद मुबारक। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अभी बिल्कुल सो जगह उठे हैं, अभी नहाए हूँ और अभी हम ईद के कपड़े पहनने लगे हैं, यहाँ पे मेरे ईद के कपड़े पड़े हैं, अभी जाके नमाज पढ़ेंगे सब, उसके बाद मुझे काम पे जाना है कुछ देर के लिए, बाकी सब सो जाएंगे और फिर मैं आऊँगा 12 बजे 12:30, वो लोग खाना खाएंगे हम लोग सारे, तो उधर हम लोग आपके लिए थोड़ी सी वीडियोस बनाएंगे, अभी सब आपको दिखाएंगे, अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं वो दिखाते हैं फिर। ये देखेंगे घर अभी सारा, मैं सबसे पहला बंदा तैयार हूँ, ज़रा सी रोशनियाँ करते हैं घर में, दरवाजे वगैरह खोलते हैं, सुबह सब बंद होता है। सुभानअल्लाह, मैं जी हम ईद के लिए अब निकलने लगे हैं, अब वो ईद पे तैयार श्यार हो गए हैं, बड़ी खेड़ी शेड़ी बनी हुई है। ये बेचारी एक है हमारे पास, इसको हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। या मैं चलाऊं? देखें इनको गाड़ी नहीं चलानी आती, कहते हैं मैं चलाऊं। ये हमारी खड़ी हुई है गाड़ी, ये बंदा रह गया था, इसको भी देख लें जी, तैयार श्यार हो गया ईद के लिए, सोना काका तैयार हो गया। हाँ भाई, कितने बड़े सोने लग रहे हो आज, क्या चक्कर है? हम तो पैदा ही ऐसे हुए, पैदा ही सोने थे, बड़ी बॉडी शडी बना ली है, बकरा अच्छा है हमारा, कुछ हर बने भी यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, मर्दो अपनी नज़रें नीचे रखो। अच्छा जी ये है हमारी यहाँ पर मस्जिद, ये भी हमारी नई मस्जिद बनी है, यहाँ पर हम जाकर भी जूतियाँ वगैरह रखते हैं, माशाल्लाह मुसलमानों की आवाज़ आ गई। देखें जी यहाँ पे हमने सारी, मैंने डिशेस तैयार कर दी हैं, यहाँ पे आलू चाट, चना चाट है, पता नहीं ये बैंगन है, पता नहीं कुछ और है,
ये भी कोई चाट है, वो मेरे हाथ पे कुछ लग गया। ये चटनी है, ये कस्टर्ड है, ये कबाब है, ये सीख कबाब है, ये मैं हूँ, ये देखें जी मैंने माशाल्लाह से। ये क्या? मैं इधर हूँ। ये क्या? चटनी है। कौन सी? जो भी चटनी है, चटनी है। माशाल्लाह से देखें जी कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं। मेरे जूते दिखाएं, मुझे दिखाएं, देखें जी। अगर आप, ये मेरे चाय है। ये किधर से बोल रही हैं? ये पता नहीं कहाँ कहाँ से बोलती रहती हैं। ये मैं हूँ, मेरी चाय। आज तो माशाल्लाह देखें देखें जी क्या बात है। कुकिंग में अम्मी ने तैयार तो होना होता है ना, आप सारे बच्चों से बात करनी होती है, ईद मुबारक कहना होता है आप सबको। कुकिंग विद अम्मी की तरफ से ढेरों ढेरों ईद मुबारक। ये किचन में आप घुस गए, इतना तैयार हो गए? किचन की नहीं ना हालत है अभी, तो फिर खाने बने हैं तो किचन में घुस गए। कचौड़ियाँ, सोनी कचौड़ियाँ। मैंने कहा पता नहीं क्या बोला, सोने की। ये पुलाव बना, ये आज जी हमने पुलाव बनाया, चिकन पुलाव बनाया। क्या बात है, इतना तेज का भर के चने। ये कल का दिन भी निकल जाएगा, कल भी निकल जाएगा। ये मजा होता है कि ज्यादा खाना बनाओ तो अगला दिन निकल जाता है। तो आप डिटेल से आप बताएं जी क्या क्या बनाया। खाना बनाया और क्या बनाएंगे खाने में, ना क्या क्या बनाया। ये जी पुलाव बनाया, ये गोश्त बनाया, नमकीन गोश्त बनाया, ये फ्रूट चना चाट है, और ये शामी कबाब है, वो सीख कबाब है, और वो डिफरेंट कबाब हैं, चिकन के हैं वो, और ये ट्रैफल है, और वो रस मलाई है, और ये इमली की चटनी है, ये आम की चटनी है, ये पुदीने की चटनी है, इसको पानी कहते हैं, ये पानी है, और उसे जूस कहते हैं। और रोटी भी बनी हुई है कि भी जिसने खानी होगी वो भी खा। कुकिंग विद अम्मी की फैमिली की तरफ से, और आप सबको मेरे बच्चों की तरफ से, फैमिली में बच्चे भी आ ही जाते हैं वैसे, तो ईद मुबारक। हाँ जी, ये सब खाना है, तैयार हैं खाने के लिए, माशाल्लाह। ये इशारा तो कोई और है, तैयार है क्या मतलब, तैयार खाना खाने के लिए तैयार। हाँ, टांग की बोटी जो है वो तो जेबी के लिए है, जेबी को लेग पीस बहुत पसंद होता है। कोई इतना प्यार करने वाला चाहिए जिस तरह प्यार से अबू पुलाव को देख रहे हैं, इतने प्यार से जिसने बनाया उसको नहीं देख रहे, पुलाव को देख रहे हैं, देख लो कितने खराब है। बस 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 बस, नजर नहीं है टाइप पुलाव से। वाह, हमजा साहब आप डालेंगे, ये प्लेट मेरी इधर रख देते हैं जी। अब हमने खाना खा लिया, सबने बर्तन रखे जा रहे हैं वापस धोने के लिए। तो आप सब ने, जिस चीज़ ने भी हमारा ब्लॉग देखा, आप सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। और जिसको ये ब्लॉग पसंद आया है और ऐसे ब्लॉग आप देखना चाहते हैं तो इसको लाइक करें इस ब्लॉग पे। आज ही हमने बनाया और आज ही ये ब्लॉग लग जाएगा, तो इस ब्लॉग पे हमें 100 लाइक्स चाहिए, क्यों जी? बिल्कुल 100 नहीं, 100 से भी ज़्यादा। चलें 100 तो देना, फिर उसके बाद ज़्यादा देख। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं जी आपको और सारा कर रहे हैं, तो आपने तो सिर्फ ऐसे एक लाइक करना होता है, हाथ के थोड़ा सा हाथ को जहमत देनी होती है। मैं तो पका के दिखा के आपको फिर बनाती हूँ, तो आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर आएँ, आके वीडियो देखें, और फ्रेंड्स चैनल पर ही अभी हो। अच्छा हाँ, वही कह रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर आया यूट्यूब। चले जी, मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें, और यही आपका प्यार मोहब्बत होता है, और यही आपसे प्यार है हमें, हम आपसे प्यार करते हैं, आप मेरे से प्यार करें, मेरी वीडियो देखें, शेयर करें। और बर्तनों की बहुत आवाज़ आ रही है पीछे, लगता है डिश वॉशर में बर्तन लगाए जा रहे हैं, इसलिए माइंड ना करें, क्योंकि ये एक फैमिली ब्लॉग है, जो मतलब घर की रूटीन है, बनावट तो कोई हम दिखा नहीं सकते, जो घर में काम हो रहे हैं सारा कुछ, जैसे जैसे आपको पता है हर घर में शोर। इसके बाद अभी सब जाके दोबारा सो जाएंगे, तो इसलिए इसके बाद कोई ब्लॉग होगा नहीं, मैंने कहा इधर ही एंड कर ले। इधर एंड कर ले, फिर अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे, आप पे अपनी रहमत का, फजल का, करम का साया रखे। खुदा हाफिज़।